नहीं पता क्या बात है। जब अगर जन्म होता है तो बताओ अपने बच्चों के वो मैया से पूछूंगा। चलो हम कल पूछेंगे शायद आपसे, कल गुरु गोपाल बाबा का जन्म होगा तो हम कल जरूर पूछेंगे आपको। आज ये संदेशा को आगे ले चलता हूँ। इसी प्रकार से मेरे भोई राजा वहां पर बड़े प्रेम के साथ सम्मान दिया गया और सब लोगों ने वहां उत्सव वर्धन मनाया। और मनाने के बाद भैया बाबा विमाल बेन सबसे बड़े थे घर में। एक दिन की बात है, लालजीगढ़ में सुबह सुबह बाबा बिस्तर से उठे और उठने के बाद उन्होंने कहा, बोले पिताजी, अपने पिता भूरा मोहन से कहा, बोले पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ संदेशा देना चाहो तो बताओ, क्या मैं आपसे कुछ पूछो। महाराज भूरा मोहन ने कहा, बोले बेटा विमाल क्या पूछना चाहते हो। बोले पिताजी मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं जहां देखता हूं वहां पर समाज को भाषा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बोले इनको अगर किसी का सामना करने की आदत नहीं है, कोई अगर कुछ बोले तो ये डर के भाग जाते हैं। भूरा मोहन राजा कहने लगे, बेटा आखिर आप कहना क्या चाहते हो। बोले मैं जैसे जन्म लिया हूं तब से बड़ा हुआ हूं, तब से देख रहा हूं, अगर किसी को कुछ बोलना चाहता हूं तो मुझे बोलने से पहले बोले मुझे डर जाते हैं। उन्होंने कहा, बेटा ये डरने वाली बात नहीं है, ये समाज बड़ा भोरा है, ताली बजाओ, ये समाज बड़ा भोरा है। तब बोले पिताजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे कि मेरे समाज को मैं ताकतवर बना सकूं, इनके लिए ज्ञान प्राप्त कर सको, कोई मंत्रों का ज्ञान हो मुझे, यानी कसरत करने की बुद्धि सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। समय समय का समय था भैया। महाराज भूरा मोहन राजा कहने लगे, बोले बेटा अगर आप ये सब चाहते हो तो बोले एक गुरु है उनका, वो शंभू बाबा के शिष्य है। बोले तो बोले क्या नाम है उनका भैया। बोले उनका नाम है महारूपम का, ताली बजाओ, उनका नाम है बोले महारूपम का, वो शंभू बाबा के शिष्य है। बोले अच्छा, तब बोले बाबा उनको क्या क्या आता है। बोले उन्हें तिंद्री विद्या सब कुछ आता है, कसरत करना आता है, लाठी चलाना आता है। बोले इतना ज्ञान है बाबा को। बोले हाँ, पहले बोले अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हो, समाज को ताकतवर बनाना चाहते हो, सद्बुद्धि प्राप्त करवाना चाहते हो, कसरत सिखाना चाहते हो, दूसरे से लड़ने का बल अगर आप इन्हें प्राप्त करवाना चाहते हो तो गुरु के पास जाना जरूर पड़ेगा, ताली जरूर बजाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने नमन किया, अपने पिता भूरा मोहन के चरणों में साक्षात दंडवत किया। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता के पांव पड़ते हैं सुबह उठ करके, साक्षात हाथ उठा के बताइए। कितनी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर के पैरों को वंदना करती है सुबह उठ करके, बोलो ना। नहीं बताओगी मैया, आप भी कहते हैं कि गुरु जी कहां हमसे ये पूछने जा रहे हो, तो मैं किससे पूछूं भला, बोलो ना किससे पूछूं मैं। अरे मैं तो आपसे ही पूछने आया हूं। इसी प्रकार से वहां बाबा हमारे विमाल बेन ने अपने पिता को साक्षात दंडवत किए, उनका सिर मस्तक धरना पर जैसे कि पैरों चरणों पर नवाए और ऐसे करके उन्होंने हाथ किया, ऐसे करके। हमारे लोग पांव कैसे पड़ते हैं जरा देखो ना, अगर किसी का पैर पड़ते हैं तो लोग ऐसा पड़ते हैं ना भैया, तो पैर ऐसा नहीं पड़ना चाहिए।
अपने से जो बड़े हैं अगर उनके चरण स्पर्श करना है तो आपके दोनों हाथ ऐसे रहना चाहिए, ऐसा करके ताली बजाओ, ऐसे रहना चाहिए। अरे ऐसा करके पहले की माताओं आपने देखा होगा जब बुजुर्ग मैया थी पहले अगर अपने जेठ या फिर अपने पति देव के चरण वंदना करती थी तो उनके हाथ दोनों ऐसे रहते, कपड़ा लगा के रहते थे ना, कपड़ा लगा के ऐसा पांव पड़ती थी वो ऐसा करके। लेकिन अब की माताएं तो ऐसा पांव पड़ती है ऐसा करके। चलो काफी ठीक है, आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमें नियम से भी चलना जरूरी है। ये हाथ अगर ऐसा है, अगर ऐसा पांव पड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने पिता अपने माँ को आशीर्वाद दे रहे हो, इसका मतलब होता है आशीर्वाद हुआ कि नहीं। ये भैया अगर छोटे हैं तो मैं उनको ऐसा करूंगा तो आशीर्वाद दिया जाएगा, और बड़े हैं तो ऐसा रखना पड़ेगा, और ऐसा रखूंगा तो समझ जानो मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। इसमें लेना पड़ता है, लेना पड़ता है कि नहीं। किसी से पैसा मांगोगे तो ऐसा हाथ रखोगे कि ऐसा रखोगे, ऐसे ही रखना पड़ेगा ना भैया कि ऐसा रखोगे, ऐसा रखोगे तो पैसा हाथ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से माता पिता और गुरु के सामने जब भी जाओ तो दोनों हाथ ऐसे रहना चाहिए। खेरे दाई में भी जाओ तो हाथ जोड़ के ऐसा खड़े नहीं होना चाहिए, ऐसा हाथ रखना चाहिए, ताली बजाओ, ऐसा हाथ रखना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। हमारे पास भले कुछ ना हो चढ़ाने के लिए, पर वहां जाके हमें आपसे निवेदन है कि आप लोग वहां जाके खाली जल चढ़ा देना। ये आदिवासी का हाथ इतना पवित्र होता है, भले कांसे का लोटा बर्तन ना हो, तांबे का बर्तन ना हो, कुछ ना हो, अगर ऐसा ही हाथ करके जल चढ़ा दिया मेरे बहन भाई तो बड़ा पवित्र माना जाता है। ताली बजाओ, बड़ा पवित्र माना जाता है। और बाबा आपसे प्रसन्न होते हैं, न जाने बाबा कब साथ दे दे आपको। मैंने तो ये भी देखा है, अब तो लोग कहीं हमारे देवता ने देने में देरी कर दी क्या, बड़ा देव ने आपको कुछ देने में देरी कर दी क्या, धर्म परिवर्तन होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई देवी ने देने, अगर आपकी देवी खेरा दाई है उसने थोड़ी देर नहीं सुनी ना, वो दूसरी देवी के पास जाकर खड़ा हो गया। आपका देवता ने देने में देरी कर दिया क्या, दूसरे देवता के यहाँ जाकर दूसरे मजहब पे जाकर के सर पटक रहे हैं। अरे भैया विश्वास तो रखो एक बार, अगर विश्वास होगा तो तुम्हें दुनिया की कोई देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे देवताओं के पास रखा हुआ है, विश्वास होना चाहिए। हम कई बार धीरे धीरे करके कई प्रकार के देवी यानी सम्मान देने के लिए आगे जाते हैं, पर हम खुद के देवताओं को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और देना पड़ेगा। अब समय आ चुका है, आप लोग कौन सी है ये सकल अकल वाली मूर्तियों को वंदन करते हो, आप तो खुद प्रकृतिवादी हो ना भैया, प्रकृतिवादी हो। मैंने मना नहीं किया, कहीं भी जाओ घूमने चले जाओ उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन भला होने वाला भी नहीं है, भला तुम्हारा वही होगा। मैंने कहा था नकल, आपका अगर पिता है माता है तो आपकी जमीन किसको मिलेगी, अगर मेरे पिता की जमीन है तो मेरे है मुझे मिलेगी कि दूसरे को मिलेगी, जरा बताओ मुझे, हम कोई मिलेगी ना। तो इसी प्रकार से आप अपने कुल देवता अपने इष्ट देवता सभी को अगर आप वंदना करोगे तो आपकी ही भला होगा, और आपकी सुनाई जरूर होगी, दूसरे की सुनाई नहीं होगी, ताली बजाना पड़ेगा। आप भले दूसरे को अपना बना लो, वो अपना तब तक बनेगा तब तक तुम्हारे पास माल रहेगा, और माल चला गया समझ जाना वो भी कंगाल हो गया। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंदा, नारा जोर से आना चाहिए, इतने जोर से आवाज आना चाहिए कि आपके साथ में कहीं चल के कोई चंडाल आया हो ना, ये पंडाल से छेद बना के भाग जाए। देखो ना आपका गाँव बड़ा सुंदर है, हमारे बाबू दुर्वे जी का आगमन हुआ, ताली बजाओ उनके लिए, बड़ा सुंदर गांव है आपका। हाँ वो भी बड़े प्रिय है, मुस्कुराते रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, उनको बस खबर होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। गोंडवाना का कार्य में ही हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग दिन रात से मेहनत कर रहे हैं, बस कुछ लोग हैं और दूसरे तुम्हारे पास उंगली करने कोई नहीं आएगा। उंगली अगर करता है तो हमारा समाज ही करता है, मैंने देखा है। किसी की ताकत नहीं है कि तुम पर उंगली उठाए, क्यों, क्योंकि हमने किसी के देवताओं की निंदा की नहीं है तो कोई उंगली क्यों करेगा दोस्त, ताली बजाओ, क्यों करेगा।
हमारा समाज ही हमको टांग पकड़ के खींचने का काम करता है। ये समाज को ना जाने क्या हो गया। अभी हम चले जाएंगे, हमारे गुरुजी हैं रंगखरिया से, वो हमारे तीन गुरुजी हैं वहां पर, वो हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो डाड़ी वाले गुरुजी, देखो आप इनको शायद पहचानते नहीं होंगे, मरकाम जी है ना, मरकाम गुरुजी। हाँ, ये हमारे उत्ती गुरुजी है। पूरे गांव में तीनों महान मूर्तियों ने पूरे गांव में मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इनसे खपा रहते जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था, उन्होंने बताया मुझे कि गुरुजी हम काफी मेहनत करने के बाद हमारे गांव के लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। मैंने उनसे एक ही बात कहा है, आप चिंता मत करो, उन्हें एक दिन जब ठिकाना यहाँ लाएगा, सरकार भी तुमसे पूछ रही है कि आदिवासी का, आप लोग अगर आदिवासी हो तो आपका कल्चर क्या है, अगर आपको पता होगा, और जिस दिन आपके गांव में जब प्रशिक्षण होने जाएगा और आपके पास जैसे ही वो पूरी आइडेंटिटी सहित मिलाया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा आप क्या हो, तो ये बताएंगे कि हम आदिवासी है, समझ जाने। उस दिन अगर किसी ने कह दिया कि हम आदिवासी नहीं है, उसी दिन तुमको वो घोषित कर दिया जाएगा, ये तुम्हें पता चलेगा। आप चिंता मत करो, ये समय दूर नहीं है दोस्तों। हमारे लोग कहते हैं कि सरकार हमें आदिवासी का दर्जा देगी, सरकार क्या देगी, तुम जागो तो सरकार तो तुम्हारे घर आएगी, ताली बजाओ तुम्हारे घर आएगी, पर जागना पड़ेगा। सरकार से लोग कह रहे हैं कि हमारा है धर्म का अलग होना चाहिए, अरे सरकार क्या देगी, सरकार को तो हमने बनाया है, वो सरकार क्या देगी हमको, हमने सरकार को बनाया है। अगर हम चाहे तो एक आदमी से ही सरकार को हिला सकता है, एक व्यक्ति बस, तुमको ताकत लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर चुगलीचारी पे लगे रहे तो दुनिया में तुम्हारे और भी आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला, ताली बजाओ, और भी आ जाए आपसे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो हमें समझना हो, ऐसी महान मूर्तियों को हमें साथ देना होगा, और उस गाँव को मुझे एक बार जाना है कि किस भूल पे पड़े हो आप, अरे किस भूल पे पड़े हो, कहा है किसी ने कि कब तक छपोगे सूखे पत्तों की याद में दोस्त, एक दिन आजा बजेगा गोंडवाना की बाजार में, एक दिन आना पड़ेगा गोंडवाना की बाजार में। ये बाजार ऐसी है, ये बाजार को रुख को अगर एक बार किसी ने रास्ता बना दिया कि ये बाजार कोई तौर का है, तो समझ जानो वो बाजार कभी रुकने वाली नहीं है, ये कोई तौर समाज ही ऐसा है, ताली बजाओ, ये कोई तौर समाज ही ऐसा है। ये धरती का नाम गोंडवाना है, तब जाके समाज का नाम गोंडवाना पड़ा था। इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं था, मैं हर रोज बताता हूँ, कोई भी समाज हो यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है। लोगों ने जो जाति बनाया है उससे मैं बहुत खफा रहता हूँ, क्यों कि भैया अगर मानव है तो मानव से अगर कोई यहाँ आकर के कोई नाई की बेटी बैठ जाए, अगर मेरी माता बहने बैठी नाई की बेटी बैठ जाए तो कैसे पता चलेगा, कोई मुझे बताएगा क्या नाव की बेटी की पीठ में सील लगा हुआ है, नहीं लगा है। अरे जैसा रक्त तुम्हारा है तो उसका, जैसी शक्ल तुम्हारी है तो उसकी है, पर जाति क्यों, ताली बजाओ, जाति क्यों, हम सब लोग गोंड है, और गोंडवाना का मतलब होता है कोई तोर का मतलब होता है माँ। ये धरती के कोख से जन्म लेने वाली समाज को गोंड कहा जाता है, ताली बजाओ, ये धरती के कोख से। आप अति प्रिय हो, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके भैया जो समय था, बाबा भीमाल बेन अपने गुरु मारू भूमका के पास पहुंच जाते हैं, और मारू भूमका के पास पहुंच करके उन्होंने अपने पिता से भी यहां से आज्ञा लिया और जाकर गुरु दादा को नमन किया, और गुरु दादा से कहने लगे, क्या कहा उन्होंने, बोले हे गुरु दादा मेरी अर्जी को स्वीकार करो, भैया मेरी अर्जी को बोले स्वीकार करो, मैंने मेरे पिता से आज्ञा लेकर आया हूँ, मुझे तीन विद्या सीखना है गुरु दादा। तो वह नमन कर रहे हैं और नमन करके कहने लगे, क्या बोले हे महारू दादा, बोले मेरी वाणी को स्वीकार करो, सब लोग गाते जाएंगे, क्या कहा, हे गुरु देव सने लो यरिया, गुरु देव सुन लो यरिया, तेरे भक्त की ले लो कबरिया, गुरु देव सुन लो, खाली जोर से बजाओ, हेलो हेलो, गुरु देव सुन लो यरिया, तेरे भक्त
और लास्ट में क्या कहा उन्होंने, ये माता पिता से हर क्या लेके आया